हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पर, जैसे भी आप देख रहे हैं, ठीक है, जिस भी चैनल पर भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायरी एंट्री। डायरी एंट्री में देखिए क्या है, डायरी एंट्री में कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान है। आपको अपने मन की बात लिखनी होती है। मन की बात का मतलब, सामने अगर से आपको कोई क्वेश्चन कर रखा है तो बस आपको वही लिखना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे को यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, हमारे को यहाँ दे रखा है कि यू मेट एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम योर प्राइवेस, ठीक है, स्कूल, राइट अ डायरी अबाउट द हाउस इंट्रेक्शन। यानी आपको जो पुराना कोई दोस्त मिला, ठीक है, उसे पुराना दोस्त मिला और उसने मतलब आपसे बात करी, उसके बारे में आपको लिखना है। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब उसके बारे में आप लिख सकते हो बहुत आराम से। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। पैराग्राफ पे डेट डालनी है, ऊपर नीचे टाइम लिखना है कि आप कब लिख रहे हो, जैसे एक पेज बनाकर। अच्छा, फिर उसके बाद हमें लिखना है डियर डायरी यस्टरडे आई वेंट द मार्केट, कि मैं गया। अब मतलब इसे डिटेल में बताना है कि हम इस एक मार्केट में गया था मैं, वहां पर मुझे मेरा दोस्त मिला और फिर हम मेरी उससे बात हुई, वार्तालाप हुई, एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे, जितने भी घंटे आप उससे मिले हो, बात करियो, बस यही है डायरी, कुछ भी नहीं है। और ये डायरी आप उतार लो, ठीक है, और ये हो सकता है इस तरीके से आपको पेपर में लिखनी है, ठीक है। आई वेंट टू, मैं गया मार्केट, देन आई सा, मैंने उसे देखा, मेरे बेस्ट फ्रेंड को, माई बेस्ट फ्रेंड, देयर आफ्टर टू ईयर्स आई स्टडी इन द स्कूल एंड वर क्लासमेट, वो मेरा एक जो था साथ में पढ़ने वाला लगा था, टू ड्यू हायर स्टडी, वो पढ़ने में बहुत तेज था। ऐसी तारीफें लिख देनी है अपने आप से, या ना भी हो तो भी लिख देना ऐसा, ठीक है। वी लास्ट अवर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो बस, और एक कॉफी शॉप पे फिर हमने तीन घंटे अपने आपस में बात करी। तो देखिए दोस्तों, बस ये मतलब आपको जो है ऐसा लिखना है, ठीक है, यही होती है डायरी एंट्री। सबसे पहले बस सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, बस क्वेश्चन देखना है, उसके बाद आपको लिख देना है। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसे हिंदी में बनाने की कोशिश करें, ठीक है। दोस्तों थैंक यू सो मच, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए।